Let's start. How to make trigonometric table? In this table, here we have six ratio: sine, cos 10, cos x second, cot, and five angle: 0, 30, 45, 60, and 90. Here you have three steps. First, put 0, 1, 2, 3, 4. Second step, divide by 4, and third step, root. Okay? ये क्या है? ये तीन स्टेप में हम काम करेंगे. नीचे जो मैंने ये खाली जगह रखी वहां पर हम रफ वर्क करेंगे. देखो, सबसे पहले कहा है 0, 1, 2, 3, 4 रख दो. तो देखो, हर एक में एक एक रखो. पहले में 0, 1, 2, 3, 4 रख दो. चलो, ये तो छोटे बच्चे के भी, बच्चे को भी रखना आ सकता है, बहुत इजी है. उसके बाद डिवाइड बाय 4 करो. ओके, अब डिवाइड कर दो. तो डिवीजन करो, 0 डिवाइड बाय 4 क्या होगा? 0. 1 डिवाइड बाय 4 कुछ नहीं होगा, तो वो ही रखेंगे. 2 डिवाइड बाय 4, तो 2 टू जा 4 मीन्स 1 अपॉन 2. 3 डिवाइड बाय 4 ये नहीं होगा, तो 3 अपॉन 4, 4 4 कट 1. ओके, तो डिवाइड बाय 4 भी कर दिया. अब सबका रूट निकालेंगे. देखो, पूरे नंबर का रूट, 0 का रूट 0. रूट निकालने के बाद जो भी वैल्यू मिली वो वैल्यू हो जाएगी साइन की वैल्यू. मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 0 1 अपॉन 4 का रूट, तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1, 2 का रूट रूट 2, 3 बाय 4, तो 3 का रूट रूट 3, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1. ओके, तो ऐसे हमने साइन की वैल्यू फाइंड की. अब फाइंड करेंगे कॉस. तो कॉस की वैल्यू बहुत इजी है. देखो, साइन, तो कॉस को क्या बोलते हैं? कोस साइन, बराबर. और इसके बाद वाली मेथड में सीखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, बराबर. तो देखो, जो लास्ट है वो कॉस में फर्स्ट हो जाएगी, सेकंड लास्ट, तो आगे से सेकंड, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर. ओके, अब टेन, तो हमने देखा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो यहां साइन अपॉन कॉस करो, 0 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा? 0 यहां के लिए, तो 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2. दोनों डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर कट हो गए, क्या बचा? 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3. यहां रूट 2 कट, देखो 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 रूट 2 कट, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 क्या होता है? 1. यहां 2 2 कट, तो रूट 3. अब 1 डिवाइड बाय 0, अब देखो 1 डिवाइड बाय 0, तो किसी को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. जैसे चलो शुरू करते हैं, 1 डिवाइड बाय 0, तो 0 बन जा 0, 0 टू जा 0, 3 जा 0, एंड ही नहीं आएगा. तो इसकी वैल्यू होगी इनफाइनाइट. इसको हम डैश बोल सकते हैं, अदरवाइज इनफाइनाइट की साइन भी कर सकते हैं. मींस ये वैल्यू कहीं पर भी पूछेंगे नहीं, मींस ये वैल्यू है ही नहीं, ऐसा समझ लो. ओके, अब हुआ कोसेक. कोसेक इज इनवर्स ऑफ साइन, याद रखना, कोसेक इज इनवर्स ऑफ साइन. साइन का इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल. सपोज 2 अपॉन 3 है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? 3 अपॉन 2. मीन्स कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन.
जीरो का रेसिप्रोकल होगा डैश, क्यों? जीरो है तो जीरो अपॉन वन कहेंगे, इसका उल्टा कर दो वन अपॉन जीरो, डेनोमिनेटर में जीरो हो वो क्या हो गया डैश। वन अपॉन टू का रेसिप्रोकल टू मीन्स वन अपॉन टू, तो उल्टा कर दिया तो टू अपॉन वन, डेनोमिनेटर में वन नहीं रखेंगे तो चलेगा। ऐसे वन अपॉन रूट टू किसका होगा रूट टू, रूट थ्री अपॉन टू सो टू अपॉन रूट थ्री एंड वन का रेसिप्रोकल वन। ओके, कोस का सेक हो जाएगा, देखो सेक का को सेकेंड है, यहां से यहां लिख दो तो भी चलेगा और यहां से रेसिप्रोकल करो तो भी चलेगा। मैं रेसिप्रोकल करता हूं वन का वन, टू अपॉन रूट थ्री, रूट टू टू, जीरो का रेसिप्रोकल डैश, देखो उल्टा हो गया पूरा। क्वाट, क्वाट है टेन का रेसिप्रोकल, देखो जीरो का डैश, वन अपॉन रूट थ्री का रूट थ्री, वन का वन, रूट थ्री का वन अपॉन रूट थ्री, डैश का जीरो, देखो जीरो का रेसिप्रोकल डैश और डैश का रेसिप्रोकल जीरो। देखो टेन का है मीन्स टेन मीन्स टेंजेंट, तो ये को टेंजेंट, तो समझो इसका उल्टे से देखो तो भी वही होगा। ओके, नाउ यू हैव गॉट योर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ओके एंड नाउ बाय यूजिंग दिस टेबल यू कैन फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सम्स विथ यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। अवर फर्स्ट सम एग्जाम्पल नंबर वन, हियर यू हैव गिवन ए इज इक्वल टू 30 एंड बी इज इक्वल टू 60, देन प्रूव दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, तो चलो फर्स्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस बी, साइन 30 प्लस 60, साइन 30 प्लस 60 90। ओके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 90 सी इन द टेबल, जीरो, साइन 90 वन, क्या रे पण वैल्यू मोड़े मुकवानी नहीं, गम्मे तेटली मोड़े आवड़ती होय એનું લાઈવ એક્ઝામ્પલ મારી સામે થઈ ગયું અત્યારે, બરાબર? એટલે હું આજે પણ મોડે નથી મૂકતો, બરાબર? એક્ઝામમાં એક ટેબલ બનાવી દેવાનું અને ટેબલમાંથી જોઈને જ મૂકવાની, ભલે ખબર હોય ક્યાંની વેલ્યુ આ થાય વન, ધેન રાઈટ હેન્ડ સાઈડ સાઈન એ into cos b plus cos a into sin b, any value sin 30 into cos 60 plus cos 30 into sin 60। चलो sin 30 its value is 1/2, cos 60 वन बाय टू, टेबल में जोता रहो, कॉस 30 रूट थ्री बाय टू इंटू साइन 60 रूट थ्री बाय टू। देखो यहां पर ब्रैकेट नहीं है बट मैंने ब्रैकेट किया, तो ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करना है फिर एडिशन, भूल से एडिशन पहले नहीं कर देना है कहीं पर भी, बराबर? तो वन वन जा वन, टू टू जा फोर, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, टू इंटू टू फोर, फोर एलसीएम, वन प्लस थ्री, थ्री प्लस वन फोर अपॉन फोर, फोर फोर कट वन, देखो दोनों इक्वल हो गए, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अवर सम इज कंप्लीट। चलो
सेम सम, फर्स्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड साइन टू ए, साइन टू पुट वैल्यू ऑफ ए 30 इज इक्वल टू साइन 60 एंड वैल्यू ऑफ साइन 60 इज रूट थ्री बाय टू. दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड. नाउ राइट हैंड साइड 210a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 2 इंटू 10 a की वैल्यू 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अप टू इंटू वैल्यू ऑफ 10 30 1 बाय रूट 3. देखो 1 बाय रूट 3 ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है. 1 प्लस देखो 10 स्क्वायर 30 मीन्स हमें वैल्यू 10 30 की रखनी है 1 बाय रूट 3 और स्क्वायर है इसीलिए वॉल स्क्वायर. ओके अब देखो 2 अकेला ही है मीन्स उसको न्यूमरेटर में समझेंगे तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर 2 बन जा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 एंड रूट 3 का स्क्वायर होगा 3. 2 अपॉन रूट 3 यहां पर 3 हम एलसीएम निकालेंगे 3 बन जा 3 प्लस 1 2 अपॉन रूट 3 3 प्लस 1 4 अपॉन 3. अब देखो यहां पर डेनोमिनेटर ऑफ डेनोमिनेटर गोज टू सॉरी डेनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर गोज टू डेनोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ डेनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर तो क्या होगा 2 इंटू 3 एंड रूट 3 इंटू 4 डेनोमिनेटर में तो 2 टू जा 4 3 मीन्स रूट 3 इंटू रूट 3 तो एक एक रूट 3 कैंसल तो बचा रूट 3 अपॉन 2 देख लो इक्वल हो गया. सो लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. चलो ये रूल समझ लो. देखो एक के डेनोमिनेटर में बी है और पूरे डेनोमिनेटर में सी के डेनोमिनेटर में डी है तो देखो दिस इज वॉल न्यूमरेटर दिस इज डेनोमिनेटर दिस इज न्यूमरेटर ऑफ न्यूमरेटर दिस इज डेनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर दिस इज न्यूमरेटर ऑफ डेनोमिनेटर दिस इज डेनोमिनेटर ऑफ डेनोमिनेटर. देखो बी यहां पर आ जाएगा डेनोमिनेटर बी इंटू सी डी ऊपर चला जाएगा ए इंटू डी. ओके मीन्स दोनों का न्यूमरेटर है वही जगह पर रहेगा मीन्स न्यूमरेटर का न्यूमरेटर न्यूमरेटर में रहेगा डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में रहेगा और ये चेंज हो जाएगा ये नीचे ये ऊपर. सपोज ऐसा है सिर्फ न्यूमरेटर में ही फ्रैक्शन है तो सिर्फ बी नीचे आ जाएगा ऐसा बनेगा ए अपॉन बी इंटू सी. और सपोज ऐसा है तो सी ऊपर आ जाएगा ए इंटू सी अपॉन बी. ओके चलो ये पूरा इक्वेशन है इसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम हर एक की वैल्यू रखेंगे x इंटू देखो साइन 45 का स्क्वायर तो देखो वैल्यू ऑफ साइन 45 वन बाय रूट टू होल स्क्वायर कॉस 60 वन बाय टू इज इक्वल टू कॉट 30 कॉट 30 की वैल्यू रूट 3 और स्क्वायर है इंटू सेक 60 टू अपॉन 10 45 वन स्क्वायर कोसेक 30 टू. देखो ये जो डॉट है ना इसको हम इंटू बोलेंगे मतलब होता है मल्टीप्लाई तो जब भी हम वैल्यू रखें ना तो डॉट की जगह हम मल्टीप्लाई की साइन कर देंगे क्योंकि डॉट की साइन
कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, मीन्स 3 × 2 हो इसकी जगह ऐसे लिखे, इसको 3.2 भी सोच सकते हैं हम, इसीलिए डॉट नहीं रखेंगे। एक्स 1² 1 √2 का स्क्वायर होगा 2, 1/2 √3 का स्क्वायर 3 2 2 कट 1² 1। देखो एक्स न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 है तो वही रहेगा, तो एक्स 2 × 2 = 4 = 3 4 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4 × 3 = 12 तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 12। देख लो, चलो फाई इज एन एक्यूट एंगल, साइन फाई इज इक्वल टू कॉस 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बराबर, सपोज हमारे पास फाई की वैल्यू मिल जाएगी तो हम वैल्यू रख के फाइनल वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, बट हियर वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ फाई। तो देखो सबसे पहले कहा क्या है, साइन फाई इज इक्वल टू कॉस 30। चलो मैं कॉस 30 की वैल्यू बोलो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस 30? √3/2 अब √3/2 वैल्यू टेबल में ही देखो, साइन में कितने एंगल की है, तो साइन 60 की है, मीन्स √3/2 इज इक्वल टू साइन 60, राइट। दोनों साइड से साइन हटा दो, यानी ऐसे कट नहीं होता, वो तो समझाने के लिए मैंने किया, साइन हटा दो तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, 60। ओके, सो अवर फाई इज 60। अब 2 × 10²⁵ = 1 2 × 10²⁶ = 1 चलो 10⁶ की वैल्यू √3² - 1 √3 का स्क्वायर क्या होगा, −1 2³ = 6 − 1 = 5 ओके, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई 5। देख लो ये भी, चलो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 तो चलो साइन में देखो 1/2 वैल्यू कहां पे है, 30 नॉट 30 साइन 30 1/2 मीन्स साइन 30 दोनों साइन कट, सो ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 दिस इज अवर रिजल्ट। वाल नहीं, मैंने आगे भी समझाया आपको, ये कट नहीं करना है, मैंने समझाने के लिए किया, कुछ कहीं नहीं रखवानो, देयरफॉर कर दी दो ना, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 सो ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। चलो सेकंड, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी, चलो 1/2 देखो कॉस में कहां पर है, 60 कॉस कॉस कट, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 √2 ओके। नाउ एलिमिनेट ऑफ रिजल्ट मीन्स इक्वेशन 1 and 2 इक्वेशन 1 ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 इक्वेशन 2 ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 बी बी कट 2 ए इज इक्वल टू 90 सो ए इज इक्वल टू 90/2 45 ओके। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2 ए की वैल्यू 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 45 गोज टू राइट साइड सो बी इज इक्वल टू 60 - 45
सो बी इज इक्वल टू 15। मिल गई ए एंड बी की वैल्यू 15।